अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कह दिया है, शिवराज सिंह चौहान ने यह कह दिया, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये बात ध्यान रहे। कब कहा और क्यों कहा मैं आपको बताता हूं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बीजेपी कार्यालय में चित्र प्रदर्शनी लगाई गई थी सेवा और समर्पण नाम से, जिसमें प्रधानमंत्री के जो सेवा कार्य हैं उनको चित्रित करती हुई प्रदर्शनी लगाई गई थी। इसी कार्यक्रम में पहुंचे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधे ये कह दिया कि अब तक तो प्रधानमंत्री वो आपने सुना ही है, वो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और मैं भी उनकी राह पर चल पड़ा हूं और मैं भी कहता हूं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। सुनिए, स्वराज का मतलब सब साफ समझ ले, बिना लिए दिए निश्चित समय सीमा में जनता को सेवाओं का लाभ देना, यही हमारे लिए स्वराज है। प्रधानमंत्री जी ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मैं भी कह रहा हूं उनकी राह पे चल के ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हमारे मंत्री, हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारे पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता, दीनदयाल अंत्योदय समितियां, स्वास्थ्य स्वयंसेवक, प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी सब स्वराज के अभियान में जुटे हैं। सुना आपने, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया। दरअसल मैं आपको बता दूं कि इस पूरी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जो अपनी बात रख रहे थे उसमें उन्होंने स्वराज और सुशासन पर फोकस रखा, और स्वराज और सुशासन को लेकर उन्होंने बड़ी बात यह भी कह दी कि स्वराज का मतलब ही ये होता है कि एक निश्चित समय सीमा में बगैर लेन देन के जनता को सेवा का लाभ पहुंचे। तो मुख्यमंत्री ने स्वराज और सुशासन पर फोकस करते हुए कह दिया, और अकेले ये बात अधिकारियों पर लागू नहीं होती है। आपने सुना होगा शिवराज सिंह चौहान अपनी बात में ये भी कह रहे थे, चाहे वो मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, पार्टी के पदाधिकारी हो, अंत्योदय समिति के सदस्य हो, और फिर चाहे प्रशासनिक अधिकारी भी हो, सबको सुशासन के लिए या स्वराज के लिए जुटना होगा। तो प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के उपलक्ष्य से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह बड़ा संदेश देने की कोशिश की और साफ कर दिया ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश सरकार जो है प्रधानमंत्री के 20 वर्ष के कार्यकाल, जिसमें उनके मुख्यमंत्री बनने से लेकर प्रधानमंत्री पद तक जाने की जो यात्रा है 20 वर्षों की, उसके उपलक्ष्य में अब मध्य प्रदेश सरकार जो है 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक तमाम कार्यक्रम आयोजित कर रही है प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, जिसमें स्वराज और सुशासन पर फोकस दिया जाएगा। इन तमाम कार्यक्रमों में आपको बता दूं कि जैसे कि छात्रावासों का निर्माण या छात्रावासों में, बालिका छात्रावासों में अतिरिक्त कक्षों का निर्माण, या जो पीएम आवास बने हुए हैं उनमें जिनको लाभ मिल रहा है उनको गृह प्रवेश इसी उपलक्ष्य में कराया जाएगा। इसके साथ साथ तमाम वो योजनाएं सरकार की जिनसे उद्योगों को बढ़ावा मिले वो भी इसी दौरान किया जाएगा। तो 7 सितंबर से लेकर, आपको बता दूं, माफ कीजिए, ये 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक कार्यक्रम चलेगा। लेकिन मुख्यमंत्री ने जो संदेश दे दिया, न खाऊंगा न खाने दूंगा, एक बड़ा संदेश प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर सीएम शिवराज ने दे दिया। आप देखते रहिए एमपी तक।